नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान का जो क्रूड ऑयल है उसका इंटरनेशनल मार्केट महामारी की वजह से बहुत सुस्त पड़ा हुआ था। काफ़ी सस्ता तेल ओमान को बेचना पड़ रहा था, लेकिन इस साल जनवरी 11 जनवरी से जो तेल में बढ़ोतरी बढ़ी है उसके दाम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में लगभग $2.5 प्रति बैरल जो तेल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। इस समय ओमान में जो तेल की कीमतें हैं $62.54 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रही हैं। पिछले साल जनवरी में ये कीमतें लगभग सेम थी। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम किसी भी देश की गतिविधियों को ज़्यादा देर तक बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कभी ना कभी तो हमें गतिविधियों को सामान्य करना ही होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन दिया जा रहा है, विश्व में जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और जो तेल की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं ओमान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेंगी। ओमान का डेयरी प्रोडक्ट्स में मजनून डेयरी एक जाना माना नाम है। काफ़ी समय से ओमान में लोगों को ये डेयरी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उनकी सेवा करता है। और इन्होंने दुबई विश्व व्यापार केंद्र जो कि 21 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, इस एक्सपो में ये भाग लेने की घोषणा इन्होंने की है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि उत्तरी अल्बतीना से एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया जिसका नाम हिलाल बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला है। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक ऐसा पोस्ट किया कि इनकी जान आफत में पड़ गई। इन्होंने जो ओमानी मुद्रा का एक माला बनाया और सोशल मीडिया पे क्लिक करके उसको पोस्ट कर दिया। आपको पता होगा कि जो फेक न्यूज़ के कारण रॉयल ओमान पुलिस और साइबर क्राइम के लोग सोशल मीडिया को भी खंगाल रहे हैं। जैसे ही उनके पास इस पोस्ट की जानकारी पहुंची, तुरंत ही रॉयल ओमान पुलिस ने जो नोट है उसके अपमान के जुर्म में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो यदि नोट आप रखते हैं, ओमान में हैं, तो प्लीज़ उस मुद्रा का अपमान मत कीजिए। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी ने एक जानकारी दी है कि ओमान में जो कोविड मरीजों की संख्या, जो आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ये चिंताजनक है क्योंकि जो इब्रा का जो अस्पताल है उत्तरी अल सरकिया गवर्नमेंट का, इसमें आईसीयू में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 100% बढ़ी है। और जिसी के वजह से, यही एक मेन कारण था कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा इस गवर्नमेंट में। देखिए, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि पूरी तरह से पूरे ओमान को कर्फ्यू कर दिया जाए। जिस जगह पे जो केस बढ़ेंगे वहाँ की जो गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। और उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ये फैसला उठाना पड़ा। जो होम क्वारंटीन में जो लोग को हम रख रहे थे, उनकी सुविधा के हिसाब से कि आप अपने घर में क्वारंटीन का समय बिताइए और आराम से रहिए, आपके उतने खर्चे भी नहीं लगेंगे। लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया और इसी के वजह से आज ओमान में रिस्ट्रिक्ट का जो क्वारंटीन है, 7 दिन होटल में रहना पड़ रहा है, जो कि कितना महंगा है आप सभी जानते हैं। उन्होंने सभी लोगों को विश्वास दिलाया है कि देखिए, फाइजर बायोटेक कंपनी की जो वैक्सीन है और जो एस्ट्रेजेनिका वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन का टीकाकरण हम चला रहे हैं। लेकिन जो फाइजर बायोटेक कंपनी की जो वैक्सीन है, इसको मिलने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन जो लोग पहला डोज लिए हैं फाइजर का, उनको डरने की बात नहीं है। काफ़ी लोगों को भड़काया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये वैक्सीन 4 हफ्ता हो गया है, दूसरा डोज आपको नहीं मिला है तो ये काम नहीं करेगा। देखिए, प्रभावशीलता के मामले में कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोई गलती नहीं करती है। पूरी तरह से जांचने परखने के बाद वो वैक्सीन कोई भी खरीदती है। यदि 6 सप्ताह भी हो चुका है पहले वैक्सीन का डोज लेकर के, तो उसके बाद दूसरा डोज आप आराम से लीजिए, बिना किसी चिंता फिक्र के लीजिए। ये वैक्सीन 100% कारगर है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने एक जानकारी दी है कि पिछले साल 2020 जनवरी में और इस साल 2021 जनवरी में क्या फ़र्क देखने को मिला है। तो उन्होंने बताया है कि जो मुद्रा स्फीति है ओमान की, जो महंगाई की दर है, ये 1.57% इस साल कम हुई है। मस्कट से एक अपडेट आ रही है कि वहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, एक ओमानी नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए और इनको ओमान की जो रॉयल एयरफोर्स है वहाँ से हेलीकॉप्टर से इन दोनों को रेस्क्यू किया है और पास के अस्पताल खसाब में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। फ्रेंड्स, जो भी ओमान में जो एयरफोर्स हैं, वो चाहे रॉयल ओमान पुलिस हो चाहे नेवी हो,
वो ये नहीं देखती है कि आप प्रवासी हैं कि नागरिक हैं। यदि आपको ज़रूरत है उस समय आपको 100% सहायता मिलती है, क्योंकि मानवीय सेवा को सबसे आगे रखते हैं ये लोग।